एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं किरण जाधव आज हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। किरण बहुत बहुत स्वागत है आपका और बाजार पर एक बार आपका व्यू लेना चाहेंगे, निफ्टी में किस तरह का व्यू बन रहा है आपका? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 10,250 के आसपास था लेकिन कमजोरी इस वक्त बड़ी है, लाल निशान में आ चुका है मार्केट, अब निफ्टी पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए मेरा मानना है कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड है, सुस्त कारोबार करता रहेगा और 10,230 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट 10,200 है, तो ये 10-20 पॉइंट का रेंज है सपोर्ट का, उसको टूटने की संभावना बहुत कम है, डेरिवेटिव यही कह रहा है। ऑन द हायर साइड आज के लिए थोड़ी तकलीफ 10,270 के करीब होती नजर आएगी, पर मेरा मानना है कि इसी रेंज में आज का ट्रेड होगा। ये पिछले तीन दिन का जो अच्छा मूव देखा है उसका कंसोलिडेशन के तौर पे देखना चाहिए, ना कि बेरिश नोट पे। अभी के लिए तो मेरा मानना है जब तक 10,200 होल्ड करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बुल्स के लिए। तो चलिए ये रहा आपको निफ्टी पर दे दी गई है इस वक्त डेज लो के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलिए सवालों को भी शामिल कर लेते हैं और हमें पहला सवाल ट्विटर के जरिए आया है, पहले वो ले लेते हैं। सुभाषीष बोस जी ने हमें भेजा है, हिंदुस्तान कॉपर पे इनका सवाल है, 200 शेयर्स इन्होंने 79 के लेवल्स पर लिए हैं। किरण ये जानना चाह रहे हैं कि अब वापस से इसमें मोमेंटम कब दिखेगा, कब इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे, इन्होंने 79 के लेवल्स पर लिया था ये शेयर, कब ऐसे मोमेंटम देखा जाए देखने को मिल जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है, हर उछाल पे हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। पहले एक अच्छी उछाल जब हमने देखी थी फरवरी महीने में जो कि करीबन 70 से 82 लेवल्स तक आई थी, वो कन्वर्ट हो गई बिकवाली में। सेकेंड आ गई थी 62 से लेके 75 तक, वो बिकवाली में कन्वर्ट हो गई, तो ऊपर में बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। जब तक ट्रेंड प्राइस ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न में कहना चाहता था, ये जब तक नहीं दिखता है तब तक मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 72-73 के लेवल्स अगर दिख जाए तो उधर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और स्टॉप लॉस सेस करूंगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो रहेगा 62 का, 62 अगर टूट जाता है तो बिल्कुल इस स्टॉक में से बाहर निकल जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाइए और 62 के लेवल्स को कीनली वॉच कीजिए आप। अगले दर्शक दीपक शाह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, नमस्कार दीपक। मैडम मेरे जो MTNL के जो शेयर खरीदे हुए हैं 1600, किस भाव पर लिया है आपने MTNL? जी आप 1600 शेयर जी, आपको तो काफी नुकसान हो रहा है, आपने स्टॉप लॉस? हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए वही मुझे जानना है। किरण MTNL 30-31 के लेवल पर इन्होंने लिया था, वहां से काफी नीचे आ चुका है, नुकसान इनको काफी हो रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लेवल्स पर? अगर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं जो कि करीबन अगस्त 2015 से, तो सारे बॉटम्स अगर ज्वाइन करते हैं तो उनका ट्रेंडलाइन वैल्यू करीबन 18 रुपीज के करीब आता है और हम 18 रुपीज से बहुत दूर नहीं है, 2 रुपए दूर है, तो मेरा मानना है कि ये 2 रुपए के रिस्क पकड़ के होल्ड करने की सलाह होगी। अगर 18 रुपीज के नीचे क्लोजिंग मिलती है कभी तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकल जाना चाहिए। पहले तो इस स्टॉक में से एक अच्छा मुनाफा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा इस स्टॉक में से। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा उछाल अगर मिल जाए, 24-26 के लेवल्स देखने को मिल जाए तो उधर से एक बार बाहर निकलने की कोशिश करें। तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए, जहां भी थोड़ा बहुत उछाल आपको मिलता है निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है MTNL से। अगले दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ पुनीत जी, नमस्कार पुनीत। पुनीत सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर जी, क्या सवाल है आपका पुनीत? मैम मेरे को टाटा मेटालिक है, 900 रुपए में। ओके, और कितना समय दे सकते हैं आप टाटा मेटालिक्स में? मैम महीना 2 महीना। ओके किरण, इन्होंने टाटा मेटालिक्स के शेयर 900 के लेवल्स पर लिए थे, अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि खरीदारी से काफी नीचे आ चुका है और महीना 2 महीना और दे सकते हैं ये? नहीं, महीना 2 महीना से कुछ काम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है महीने 2 महीने से 900 के ऊपर अच्छा खासा ये स्टॉक चलता नजर आएगा। मेरा मानना है कि ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्ट करेगा, तो रेंज रहेगी करीबन 720-730 लेवल्स ऑन द लोअर साइड और 800-820 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा।
तो आपके लिए 700 का एक अहम लेवल है जो कि सपोर्ट पे सपोर्ट का काम करेगा। 700 के नीचे अगर जाता है तो बेचने की सलाह होगी, नहीं तो होल्ड करना चाहिए। आपका 2 साल का नजरिया होना चाहिए। इस कंसल्टेशन के बाद जो ये स्टॉक निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव देने की संभावना है स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओके, तो ये राय आपको टाटा मेटालिक्स पर दे दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ उड़ीसा से हैं, दिलीप मिश्रा जी। दिलीप जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, कुछ दिन पहले मैं लिया था MMTC का 1,055 में। ओके, तो हम उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था। तीन से छह महीना तक रख सकता हूँ, ठीक है, ये ठीक रहेगा, या फिर स्टॉप लॉस कितने में रखूँ ताकि मेरा लॉस का कम हो जाए? बिल्कुल, अच्छा, अच्छे समय पर आप रिव्यू ले रहे हैं इस शेयर पर। किरण, क्या सजेस्ट करेंगे? आज 2% की कमजोरी है, 55 पर इनकी खरीद थी, जाना चाह रहे हैं, बने रहें या फिर एग्जिट कर लें, या स्टॉप लॉस कुछ आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? 55 का ही स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, यानी उनका कैपिटल बचा रहेगा, और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो मेरा मानना है कि अगले 1-2 महीने में इनको 77 से लेके 80 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाइए 55 का और कुछ समय दीजिए, आपको 70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस शेयर पर। अगला सवाल हमें ट्विटर पर एक आया है, आकाश सोनी जी ने हमें भेजा है, और ये HEG लिमिटेड और JK टायर पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। किरण, क्या इन लेवल पर, इन स्तरों पर, इन दोनों ही शेयरों में खरीदारी की राय देंगे? HEG लिमिटेड आज 10% कमजोर है, और JK टायर इस लेवल पर आपको कैसा लग रहा है? HEG में जो आज हमने बिकवाली देखने को मिली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये बिकवाली आई है, तो किसी ने बहुत बड़ी डिलीवरी बेचा है ऐसा लग रहा है चार्ट को देखते हुए। मेरा मानना है कि इसको अगर इनकी खरीद का भाव नहीं मालूम, पर अगर इनके बहुत पहले वाली खरीद है तो 2600 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। जब तक किरण ये फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं जी, अभी तक इन्होंने लिया नहीं है? नहीं, तो HEG बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। शायद अगर 2400 के करीब आता है तो अच्छा सपोर्ट है, उधर एक बार बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं 2200 के स्टॉप लॉस के साथ, और उस टाइम में टारगेट्स करीबन 3200 के देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा टायर स्टॉक कौन सा था? JK टायर। सारे टायर काउंटर्स पिछले 2-3 में हरकत में आए हैं, और मेरा मानना है कि JK टायर एक काउंटर है जहां पे आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि JK टायर से अच्छा रहेगा MRF। MRF महंगा है पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इधर ज्यादा देखने को मिल जाना चाहिए। अगर लंबा चार्ट पैटर्न देखते हैं तो करीबन जून 2017 से लेके एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और कल ही इसने इस रेंज से ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट लेवल 74,000 का है, और अगर 6 महीने का व्यू लेते हैं तो ये टारगेट करीबन 1,10,000 का देखने को मिल जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर बाय करना है तो MRF करना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इधर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, HEG लिमिटेड में फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं, और टायर शेयर पर भी आपको राय दे दी गई है। अगला सवाल हमें भेजा है रोहित छाबड़ा ने, माफ कीजिएगा, फोन लाइन के जरिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार रोहित। रोहित सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे पास हिमाद्री केमिकल के 200 शेयर हैं। ओके, मैंने परचेज किया था इनको 169.4 पे, और नुकसान हो रहा है आपको, कितना समय और दे सकते हैं आप रोहित? 6 महीने तक दे सकता हूँ। किरण, 6 महीने के लिए हिमाद्री केमिकल्स पर क्या व्यू होगा आपका? आई एम सो सॉरी कि हिमाद्री केमिकल के चार्ट मेरे सामने नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट कर नहीं कर पाऊंगा। चलिए, हिमाद्री केमिकल्स पर आपको फिर कभी राय दिलवा देंगे। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है, वो ले लेते हैं। समीर तिवारी जी ने भेजा है बैंगलोर से, जैन इरीगेशन पर इनका सवाल है। 650 शेयर्स इन्होंने 118 के लेवल्स पर लिए हैं। किरण, जैन इरिगेशन ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? 118 के लेवल पर इन्होंने खरीदा था, वहां से हल्का नीचे आ चुका है, कुछ स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप इन्हें इन स्तरों पर? मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस 105 के करीब हो चुका है इसका, तो एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाना चाहिए, तो 105 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और टारगेट्स के लिए आपको 120-123 के लेवल देखने को मिल जाना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। पर अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं तो मैं ये वापस एक बार एक बुल ग्रिप में आ जाएगा, और अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो जैन इरिगेशन में ये राय आपको दे दी गई है। कानपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। जी पूछिए अपना सवाल सर। मैम,
मैम मेरे पास मेघमनी ऑर्गेनिक के 500 शेयर्स हैं 82.9 के रेट्स पे। 82.9 के रेट्स पे आपके पास मेघमनी ऑर्गेनिक्स, ओके। और आप कितना समय दे सकते हैं? 1 to 2 years। सर आप एक बार अपना नाम रिपीट करेंगे, हम सुन नहीं पाए। ओके ओके, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। किरण क्या सजेस्ट करेंगे मेघमनी ऑर्गेनिक्स में? आप इनको 82 के लेवल पर लिया था, हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, आपकी राय? बहुत ही शानदार लेवल था, वही पे बेस बना के स्टॉक ने दो बार एक अच्छा मूव दिखाया है और मेरा मानना है कि ये मूव अच्छी मीडियम टर्म आउटलुक के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 110-115 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर इनका 1 से 2 साल का व्यू है तो मुझे लगता है काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपको 80 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की ही सलाह होगी। चलिए स्टॉप लॉस की सलाह आपको दे दी गई है और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। चलिए दिल्ली से हमारे साथ हैं प्रमोद जी फोन लाइन के जरिए। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ मैडम जी आवाज आ रही है जी। सवाल पूछिए अपना सर। मैडम जी मेरे को ऑल कार्गो लिया था मैंने, 275 शेयर लिए हैं 220 पर। 275 शेयर्स 220 के लेवल्स पर लिए थे आपने? हाँ जी मैडम, मैं एवरेज भी कर सकता हूँ इसको अगर। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। किरण क्या सजेस्ट करेंगे आप ऑल कार्गो पे, एवरेज भी कर सकते हैं? 220 की इनकी खरीद थी। बिल्कुल करने की सलाह होगी क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बेस है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे 140-145, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है और वर्टिकल फॉल आ गया है और इस फॉल में अच्छी बात यह है कि ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे, यानी सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मेरा मानना है कि अभी बाय करने की सलाह है, जितनी क्वांटिटी है उसके डबल क्वांटिटी बाय करने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, 10 रुपए का 15 रुपए का रिस्क लेना चाहिए बाय करने के बाद। और ऑन द हायर साइड आपको 190 का लेवल करीबन 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये राय ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे। अगला सवाल हम ले लेते हैं महाराष्ट्र से। हमारे साथ हमको विलास पाटिल जी ने सवाल भेजा है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स इन्होंने 220 के लेवल्स पर लिए हैं इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के। हम थोड़ी देर पहले देख रहे हैं स्टॉक में एक शानदार तेजी भी आई है, 4.5% की मजबूती के साथ इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 220 की इनकी खरीदारी थी। किरण आपकी क्या राय होगी शेयर पे, बने रहें? 184 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रेस करूंगा 174, यानी 10 रुपए रिस्क। और ऑन द हायर साइड बेस्ट केस सिनेरियो ये 200 तक जा सकता है या 195-200 के बीच में आपको ये स्टॉक अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाना चाहिए, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। ठीक है, तो 194 के लेवल्स को आप वॉच करिए, अगर ये सर दिखे तो प्रॉफिट बुक करने की राय आपको दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस शेयर पर। महाराष्ट्र से ही अगला सवाल हमें आया है प्रथमेश जी का, प्रथमेश परसेकर का। इनका सवाल है एनबीसीसी पर 110 शेयर्स इन्होंने 241 के लेवल्स पर लिए हैं, 205 के आसपास इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। किरण ने देखा था ये शेयर 180-190 के लेवल्स भी इस शेयर में आए थे, अभी फिर से 200 के ऊपर आ चुका है, क्या लगता है बने रहे? लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? मेरा मानना है कि इधर से अच्छे अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 190-215 तक इस स्टॉक ने एक उछाल दिखाया था और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगले 3-4 दिन अगर कंसोलिडेट करता है और नीचे नहीं फिसलता है तो वापस एक बार इस स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिल जाना चाहिए। अभी के लिए 198 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा और मीडियम टर्म आउटलुक अगर है तो 235-240 के लेवल सबको देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी आपको सजेस्ट किया गया है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। मुंबई चलते हैं, महेश जी हमारे साथ हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार महेश। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून महेश, कैसे हैं आप? हाँ जी मजे में। बजाज इलेक्ट्रिकल बाय करना था विद 6 months। ऑलराइट, ठीक है, आपको विच विल बी द बेस्ट रेट टू बाय एंड कैन टेल हिम टू गिव मी द स्टॉप लॉस, मिस्टर किरण जाधव। श्योर किरण, बजाज इलेक्ट्रिकल्स इन लेवल्स पर आप फ्रेश खरीदारी की राय देंगे और 6 महीने का व्यू है प्लस स्टॉप लॉस भी आप इनको सजेस्ट करिए, कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट्स के? बिल्कुल खरीदने जैसा स्टॉक है, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, पर खरीदने की लेवल करीबन 580 के करीब रहेगी तो इधर से और थोड़ा सा डाउनफॉल आना चाहिए, 600 से 580 में एक्युमुलेट करने की सलाह होगी। और मेरा मानना है कि अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो आपको 800-850 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए
तीन से छह महीने का व्यू है, तो शानदार आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदने की राय आपको दी जा रही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर। नंद किशोर जी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक। नमस्कार नंद किशोर जी, सिंजीन के बारे में जानकारी चाहिए। ओके, क्या जानना चाह रहे हैं आप सिंजीन का? मैंने 610 रुपए में इसे खरीदा है, होल्ड कर सकता हूँ या फिर इसे सेल करना चाहिए? 610 पर आपने लिया है सिंजीन इंटरनेशनल के स्टॉक को? चलिए किरण, सिंजीन इंटरनेशनल पर क्या सजेस्ट करेंगे? 610 की खरीदारी थी इनकी, आप क्या राय देंगे, क्या कुछ स्टॉप लॉस आप इनको सजेस्ट करेंगे? नहीं, होल्ड करने की सलाह होगी। ये भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिखा रहा है और मेरा मानना है कि इसका एक जो एम लेवल रहेगा वो रहेगा करीबन 640 से लेकर 660 लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये एक बार क्रॉस कर देगा तो ये नए टेरिटरी में चला जाएगा और ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में, जहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता है और मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस काउंटर में। तो मेरा मानना है कि होल्ड करके ही चलना चाहिए अभी के लिए। मैंने स्टॉप लॉस इनको सुझाऊंगा जो कि करीबन 557 का होना चाहिए। तो 557 का स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है, उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है सिंजीन इंटरनेशनल में। अगले दर्शक हैं राजस्थान से हमारे साथ, सीमा जी। सीमा नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरे पास नेल्को है और एक इंडो काउंट है, दो सवाल है मैडम। इंडो काउंट भी आपके पास, नेल्को में आप, नेल्को आपने 76 पे लिया था सीमा? हाँ जी मैडम। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और इंडो काउंट आपने क्या किस पर, किस भाव पर लिया था? इंडो काउंट मैंने 115 पर लिए हुए हैं। ओके, तो मैं इनको कब तक होल्ड करूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। किरण क्या सजेस्ट करेंगे नेल्को पे और इंडो काउंट पर? मुनाफा इनको नेल्को में शानदार हो रहा है और ये जानना चाह रही है कब तक होल्ड करें जिससे और अच्छा मुनाफा इनको मिल सके। बिल्कुल होल्ड करने की राय होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और ओपन ब्लू टेरिटरी में ये पहले से ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि इनको 184 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है इमीडिएटली तो बाहर निकलने की सलाह होगी, नहीं तो मेरा मानना है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है वो दिखाता ही रहेगा। जहां रही बात इंडो काउंट की, तो इंडो काउंट में मुझे लगता है कि कोई ऐसी खास बात नहीं है जहां पे होल्ड करने की सलाह होगी, कोई ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं जहां से आपको बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आपकी शायद परचेस प्राइस 110 की सुनाई दी थी मेरे को, तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, इधर से बाहर निकलने की ही सलाह होगी। ठीक है, तो इंडो काउंट में हल्का आपको नुकसान हो रहा है लेकिन शेयर पर बने रहने की राय होगी नेल्को में और आपको और भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, बिहार से नीलोत्पल कुमार जी ने हमें भेजा है, जेपी इंफ्रा पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स 11 के लेवल्स पर इन्होंने जेपी इंफ्रा के लिए हुए हैं। किरण आपकी राय क्या होगी जेपी इंफ्रा पे? मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के का ही व्यू है इनका, क्या सजेस्ट करेंगे? बेचने की सलाह होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई अप मूव देखने को मिल जानी चाहिए। चार्ट काफी खराब है, जिस वॉल्यूम से ये स्टॉक उछल गया था उसके दुगने वॉल्यूम से ये गिरता नजर आ रहा है, तो मेरा मानना है कि हर एक उछाल पे आपको सेलिंग ही देखने को मिल जानी चाहिए, तो एग्जिट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी जेपी इंफ्रा में, तो ये राय आपको दे दी गई है, तुरंत एग्जिट करने की राय होगी। यहाँ पे कुछ चार पैटर्न्स कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं, 10,200 के भी नीचे इस टाइम फिसल चुका है। चलिए अब वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए उदयपुर से ललित जी भी जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। ललित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। आईपीओ में लगे थे भारत डायनामिक्स, भारत डायनामिक्स का शेयर। ओके, 35 शेयर आईपीओ में जी। ठीक, 418 इस बार, इस वक्त 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। किरण, भारत डायनामिक्स आईपीओ के लेवल की खरीद है इनकी? चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे ज्यादा, बट क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? इधर अभी करंट मार्केट को देखते हुए मुझे नहीं लगता इधर से बहुत बड़ी अपसाइड इस काउंटर को देखने को मिलेगी, पर अगर इनका व्यू 3-4 साल का है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, पर मेरे ख्याल से अगर जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है भारत डायनामिक्स पर। अभी करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो ज्यादा कुछ ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।
और बाजार में देखिए इस वक्त 10,200 के नीचे आ चुका है। एक बार आप आपको मार्केट दिखा देते हैं, छोटे मझोले शेयर्स जो हैं वहां से बिकवाली आ रही है। इस पर सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आईटी और माफ कीजिएगा ऑटो और रियल्टी शेयर को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो आईटी में देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों में दबाव है और ऑटो और रियल्टी लेकिन इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ मार्केट एक्शन आपके लिए। इंफोसिस देखिए अपने डेज लो पे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्टॉक देखें तो टीसीएस, इंफोसिस, ये सभी शेयर्स जो हैं ये अपने डेज लो पे कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार इस वक्त अपने निचले स्तर पर है। किरण, मार्केट पर आपका ये राय जानना चाहेंगे, अभी क्या सजेस्ट करेंगे आप, कॉशियस रहने का व्यू देंगे मार्केट पर? हाँ बिल्कुल, अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे वो टूट रहे हैं और जिस तरीके से वर्टिकल फॉल आ गया है करीबन 60-70 पॉइंट का, वो काफी डरावना है। और अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं 10,200 ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो वापस एक बार अप मूव देखने को मिलेगी, पर अभी के लिए तो कॉशियस व्यू बिल्कुल जारी करना चाहिए। बिल्कुल, तो 10,200 ये एक लेवल है जो कि आपको वॉच करना चाहिए, ये राय आपको निफ्टी पर दे दी गई है। लेकिन किरण, अब ऐसे माहौल में आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग आइडिया जो आज आप दर्शकों को सजेस्ट करेंगे मिड कैप स्पेस से? मिड कैप स्पेस में एक काउंटर रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत नजदीक वाले स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। अभी 86.55 पे ट्रेड कर रहा है, पिछले तीन दिनों में अच्छे डिलीवरी मार्किंग हुई है और अच्छा खासा अपमूव भी देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए बाय करने की सलाह होगी। 85 का स्टॉप लॉस सेज करूंगा और 93 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो प्राज इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय किरण की तरफ से। किरण बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए और जितने भी सवाल थे दर्शकों के उन्हें एड्रेस करने के लिए।